सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं हंसित व्लॉग्स 18। सो दोस्तों, आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं डायरेक्ट जो है अपनी वीडियो वर्कआउट से शुरू कर रहा हूँ, यानी कि जिम से शुरू कर रहा हूँ। तो आज हम सीधा सबसे पहले जिम में जाएंगे। तो आज हम परफॉर्म करने वाले हैं बैक वर्कआउट इन द जिम। तो मैं वहाँ पे दिखाऊंगा कि कौन कौन सी बैक वर्कआउट किस तरीके से परफॉर्म करनी है। कुछ लोग बहुत गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं। वर्कआउट तो सभी करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करते। तो आपको मेरी वीडियो भी देखो थोड़ी अलग टाइप की लग रही होगी। आज मैंने कुछ नए तरीके से जो है वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे, ये कलर ग्रेडिंग अच्छा लगे। आप पुरानी वीडियो देख देख के बोर हो चुके होंगे। तो बिना किसी देरी के, आपको भी बिना पकाए, बिना आपका दिमाग खाए स्टार्ट करते हैं हमारे ब्लॉग की। तो सबसे पहले चलते हैं हम जिम में। सो दोस्तों, सीन कुछ ऐसा है कि मैं गाड़ी में अपने दोस्त के साथ जिम में जा रहा हूँ। तो ये है देखो एक शेकर, और साथ में मैंने ये देखो प्री वर्कआउट का एक डब्बा है मेरे पास, और मैंने कुछ और भी यूज़ करता हूँ मैं प्री वर्कआउट के लिए। वो है मेरे पास ये दो बनाना, मैंने तीन कैरी किए थे, एक कहाँ गया? हाँ ये रहा, देखो दोस्तों एक केला ये रहा। तो अब हम खाने वाले हैं ये तीन केले जो मैं प्री वर्कआउट के लिए हमेशा यूज़ करता हूँ। ये बेस्ट चीज़ है अगर आप जिम से पहले खाओ। तो देखो मैंने शेकर के अंदर जो है प्री वर्कआउट, थोड़ा सा नमक भी डाला है मैंने इसके अंदर ताकि अच्छा पंप आ सके। आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट सा थोड़ा थोड़ा सा। जो खड्डा पार करना पड़ा अपन हर बार। सो लो गाइस, फाइनली हम जिम में आ चुके हैं। तो आज हम परफॉर्म करने वाले हैं बैक वर्कआउट। सो दोस्तों, कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करने से पहले हमें वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वार्म अप करने से क्या होता है कि हमारे सारे मसल्स जो है अच्छे तरीके से वार्म हो जाते हैं, यानी कि खुल जाते हैं, जिनसे हम कोई भी एक्सरसाइज जो है अच्छे से कर सकते हैं और इंजरी होने का कोई ख़तरा नहीं होता। तो वार्म अप के लिए ज़्यादातर लोग जो है स्ट्रेचिंग वगैरह का यूज़ करते हैं। तो मैं स्ट्रेचिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जो है डिप्स के ज़रिए अपना बॉडी को वार्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, क्योंकि इसमें मेरे हर एक मसल जो है, हर एक बॉडी पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो मैं देखो डिप्स भी जो है बिल्कुल स्लोली स्लोली लगा रहा हूँ ताकि मेरी हर एक बॉडी पार्ट अच्छे से वार्म अप हो सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज से। तो पहली एक्सरसाइज है बैक की, वो है केबल पुल, यानी कि सीटेड केबल पुल। तो आप इस एक्सरसाइज के ज़रिए जो है अपनी बैक मसल, यानी कि मिडल बैक मसल को अच्छे से ग्रो कर सकते हो। आप देख भी सकते हो किस तरीके से मेरा जो बैक मसल है, यानी कि जो सेंटर का मसल है, वो किस तरीके से स्क्वीज़ हो रहा है। आप देख सकते हो, मैंने क्लोज़ करके भी दिखाया था आपको। तो देख सकते हो आप, देखो किस तरीके से बैक जो है मसल जो है वो किस तरीके से इंगेज हो रही है, यानी कि किस तरीके से स्क्वीज़ हो रही है। आपने इसी तरीके से बैक को स्क्वीज़ करना है और अच्छे से उस मसल को फील करना है। तो इस एक्सरसाइज करने का ये पर्पज़ है। तो सेकंड एक्सरसाइज जो है हमारी, वो है केबल पुल डाउन। तो ये एक्सरसाइज जो है बेसिकली हमारी लोअर बैक के लिए होती है। लोअर बैक मतलब कमर से थोड़ा सा ऊपर हमारा जो मसल होता है उसके लिए एक्सरसाइज होती है। तो आप देख सकते हो इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है। इसमें आपने ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से एक जगह बैठ कर आराम से केबल को अपनी चेस्ट तक पुल करना है, और इस तरीके से आप जो है वर्कआउट इसको परफॉर्म करोगे। तो यहाँ पर थर्ड वर्कआउट है देखो, वो है चिनअप्स। ये बहुत नॉर्मली, यानी कि बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, हर किसी को पता है। ये एक्सरसाइज जो है हमारे साइड बैक के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो आपने इसमें क्या करना है, धीरे धीरे से ऊपर उठना है। तो इस तरीके से आप बैक वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो। तो फाइनली देखो दोस्तों, ये कुछ लुक मेरा इस तरीके से क्या है बैक साइड से। तो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। सो नाउ गाइज, इट्स टाइम टू बी पोस्ट वर्कआउट। तो मैंने बनाया देखो दो अंडों का ऑमलेट, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है प्रोटीन इंटेक के लिए। तो इसके अंदर मैंने कोई मसाला नहीं डाला, तो मैं बाद में देखो मसाला ऐड कर रहा हूँ। तो ये बस जस्ट थोड़ा सा मसाला मैं डालता हूँ ताकि टेस्ट बन सके। तो फाइनली लुक देखो कुछ इस तरीके का है इसका। और इसके साथ मैंने दो ब्रेड भी बेक किए हैं, तो आप देख सकते हो ये ब्राउन ब्रेड्स हैं। और देखो कुछ मम्मी ने मेरे लिए जो है चावल बनाए थे, और साथ के साथ इसके साथ सोया चंक्स थी। तो ये मेरा है पोस्ट वर्कआउट। तो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।